फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ बाल गंधर्व रंग मंदिर में एक प्ले देखने के लिए, एक म्यूजिकल प्ले देखने के लिए जिसका नाम है मुगले आजम। तो मेरे फ्रेंड है मजेठिया जी, जो मेरे सीए भी हैं, उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी कि ज़रूर देखना, ज़रूर देखना। तो मैं ये प्ले देखने आया हूँ बांद्रा वेस्ट में बाल गंधर्व रंग मंदिर में। प्ले का वहाँ का अंदर का ऑडिटोरियम के अंदर का तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ मैं इंटरवल में एक बार फिर आता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ और आप लोगों को बताऊँगा कि प्ले कैसा है। ये देखिए कितने सारे लोग आए हैं ये शो देखने के लिए। हाउसफुल शो है ये, बहुत पब्लिक है। और ये मेरे कुछ फैंस जो मेरे साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा प्ले था, अभी इंटरवल हुआ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया गया है। और लाइट्स एंड साउंड एंड डांस और ये तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन डायलॉग्स बहुत कमाल के हैं और बिल्कुल वही एरा और वही ज़माने में लेके जाता है जहाँ पर वो लफाजी चलती थी, जो डायलॉग चलते थे। अभी एक डायलॉग अभी अचानक में मुझे याद आता है कि उसको कांटा दिया जाता है हाथ पर, कहते हैं कि कांटों को मुरझाने का डर नहीं होता। और ऐसे बहुत सारे, वो जब माँ अकबर से कहती है कि अगर तू मुझे जंग के मैदान में याद करता तो तलवार की आवाज़ लोरी बन जाती और जंग का मैदान माँ का आंचल बन जाता। तो वो जो पुराने ज़माने के जो डायलॉग्स थे और जो लफाजी चलती थी उसका एक बार फिर दैट ओल्ड स्कूल ओल्ड बॉलीवुड वो एक बार फिर से रिविज़िट हुआ है। बहुत मज़ा आया है और इंटरवल पॉइंट वही था जहाँ पर बाप बेटे का कॉन्फ्रंटेशन होता है, वहीं पर इंटरवल हुआ है। तो एक बार फिर मैं जाऊंगा अंदर और एंड होने के बाद एक बार फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोगों से बात करूंगा कि प्ले कैसा था। ये जो ब्लैक अंगरखा पहने हुए जो एक्टर आपको दिख रहे हैं, ये है इस प्ले के सलीम। और ये जो आ रहे हैं ये हैं मुगले आजम, यानी कि अकबर। ये है फिरोज खान, इस प्ले के डायरेक्टर। अभी शो ख़त्म हुआ है, बहुत ही मज़ेदार शो है, बहुत ही अच्छा शो है। फर्स्ट हाफ जितना म्यूज़िकल था, सेकेंड हाफ उतना ही एक्शन पैक्ड और उतना ही ड्रामेटिक है, फुल ऑफ डायलॉग्स एंड फुल ऑफ मज़ा आ गया, मतलब टू गुड। एंड हाँ, ये देख रहे हैं आप, आई जस्ट शो यू द क्राउड, ये पब्लिक है। एंड अभी तो मतलब मैं थोड़ा देर से निकला हूँ तो काफ़ी पब्लिक जा भी चुकी है, कुछ कम भी हुए हैं लोग। तो ताज्जुब की बात है कि ना, इन स्पाइट ऑफ द टिकट्स बीइंग सो एक्सपेंसिव, फिर भी हाउसफुल चल रहा है। और अभी अनाउंस हुआ कि शायद और एक हफ्ता और इन्होंने एक्सटेंड भी किया है इस शो को। सुना दे आर गोइंग टू बी मोर शोज एंड द टिकट्स आर गोइंग अप टू 6,000 रुपीज़। जैसे मैं जिस पर बैठा था दैट वॉज 5,000 वाली, तो लाइक वी वर टू ऑफ अस, सो 10,000। बट मैंने देखा है कि जैसे मैं तो, हम तो दो ही लोग थे, बट चार चार लोग, छः छः लोग, लाइक देर वर सो मैनी पीपल। एंड इट्स गुड टू सी दे आर लवर्स ऑफ गुड स्टेज, गुड प्लेज, गुड प्रोडक्शन
एंड मुगल आज़म को अभी भी लोग पसंद करते हैं, अभी भी प्यार करते हैं और देखने आते हैं इन स्पाइट ऑफ द टिकट्स बीइंग सो एक्सपेंसिव। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप भी देखिए, एंड इट्स अ वेरी गुड शो एंड इट्स अ मस्ट वॉच।